शिक्षक संकुल एक वृहद परिप्रेक्ष्य। यदि बच्चों को कुछ नया सीखना है, करके सीखना है, तो उसके पहले हमें कुछ नया करना होगा और करके सीखना होगा। बारीकियों को समझना होगा, बेहतर और रोचक तरीके सीखने होंगे। क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं? अपनी समझ, नवाचार, क्रियाकलाप, प्रयास एवं कौशल की सीमा का ज्ञान तब हो पाता है जब हम विभिन्न माध्यमों ऑनलाइन या ऑफलाइन से स्कूल के बाहर किसी सशक्त विशेषज्ञ समूह के साथ जुड़ते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अन्य विद्यालयों को देखना इसलिए भी आवश्यक है कि अपने विद्यालय और नवाचारों के बारे में अन्य दृष्टिकोण, विविधताओं, आवश्यकताओं और चिंताओं को भी समझना ज़रूरी है। इस प्रकार का समूह और नेटवर्क हमेशा उपयोगी होता है। यदि आपके प्रयास की दिशा सही नहीं है, तो यह आपको एक सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति प्रारंभिक चेतावनी, नए मानदंड और अमूल्य सुझाव दे सकता है। ये अलग ही अनुभव है जहां लोग सक्रिय रूप से विचारों को साझा करते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो सृजन को प्रोत्साहन देता है, नवीन विचारों के अनुरूप रणनीति बनाने और आगे बढ़ने का साहस देता है। यहाँ आप अभिनव तरीके से नेतृत्व करने वाले शिक्षकों की आवाज़ को स्वर दे सकते हैं, नई पहचान दे सकते हैं। ऐसे ऊर्जान्वित, साहसी और विविध रुचियों कौशलों वाले समूह में नव प्रवर्तन अनायास होता है। आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं में प्रशस्त होता है। एक दूसरे के साथ अनुभवों को साझा करने का आश्चर्यजनक लाभ होता है। बहुत बार हम एक खास मुकाम पर अटक जाते हैं। हमारी रणनीति और पद्धति में किसी साथी द्वारा थोड़ा सा सुझाव, नया फ्लेवर डाल देने से परिमाण और परिणाम दोनों का फ्लेवर ही बदल जाता है। नव प्रवर्तन प्राय तर्क, वितर्क, संघर्ष और असहमति से आता है। एक उत्कृष्ट विचार और सार्थक निष्कर्ष के लिए अनेक विचारों, जीवन अनुभवों को विलीन करना होता है। मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं, हम साथ में और भी बेहतर कर सकते हैं। खुले मन मस्तिष्क से नवाचार को गले लगाकर हम परिवर्तन के सच्चे संवाहक बन सकते हैं। हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहाँ हर कोई शिक्षक और शिक्षार्थी ही है। हम बच्चों को हमेशा स्वयं को अभिव्यक्त करने, अपने विचारों को साथियों के साथ साझा करने, करके सीखने, प्रश्न पूछने, समूह में कार्य करने का सुझाव एवं निर्देश देते हैं। पर इन मूलभूत बातों पर स्वयं कितना अमल कर पाते हैं? ऐसे समूह की एक विशिष्टता यह भी होती है कि हम इसमें कोई पद सोपान नहीं और नहीं किसी पद विशिष्ट स्तर को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा। किसी विचार के प्रकटीकरण से कोई विशेष राय नहीं बनने वाला, कोई आपका आकलन नहीं करने वाला। आपके पास कोई नया विचार है जो आप आजमाना चाहते हैं, किंतु आप घबराए हुए हैं, तो संकोच संशय का त्याग करें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त करें और समूह में समर्थन प्राप्त करें। यह स्वयं में सबसे बड़ा निवेश है, इसे करें। ये एक विशेष मंच है जो आपको एक नेता के रूप में प्रभावी ढंग से सीखने, प्रतिबिंबित करने और स्तर ऊपर उठाने में सशक्त करेगा। यहाँ हम वह दृश्य, दृष्टि और परिणाम देख पाएंगे जो अकेले नहीं देख पा रहे हैं। चेहरा आईने में दिख जाता है। विचारों को परखने के लिए जीनियस समूह की आवश्यकता होती है और इस समूह का जीनियस फीडबैक विचारों के लिए प्राणवायु है। आपका मकसद क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप किस योजना, जुनून और टीम भावना से कार्य करते हैं? लक्ष्य के लिए कैसे दिन रात एक कर देते हैं? और एक दिन आपकी सफलता की कहानी और लोगों के लिए एक नया मकसद बन जाती है। इसी दिन के लिए तो जी रहे हैं। जय शिक्षा।